कोरोना महामारी ने देश दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। एक और जहां कोरोना महामारी के कारण पर्यटन व्यवसाय चौपट हो गया है, वहीं कई ऐसे छोटे पेशेवर लोग हैं जो काम न मिलने से बेरोजगार हो गए हैं। मुख्य रूप से शादी समारोहों में बैंड बाजा बजाने वाले लोगों का काम पूरी तरह से बंद हो गया है। इसके अलावा कैटरिंग और टेंट हाउस चलाने वालों का रोजगार भी छिन गया है और वे बेरोजगार हो गए हैं। सोलन में डीडी न्यूज से बातचीत में इन छोटे छोटे व्यवसायों से जुड़े लोगों ने कहा कि कोरोना महामारी से उनकी मुसीबतें बढ़ा दी है और परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है। इन लोगों ने सरकार से राहत की गुहार लगाई है। हमारा जो ये टेंट हाउस का काम है कोई एक साल से कम बिल्कुल ठप पड़ा है, जिसमें कि हमारे तो इतने किराए 30-40 हज़ार रुपये किराए देने भी बड़ा मुश्किल हो गया लैंडलॉर्ड को। जो है हमारे को फोन आते हैं कि किराया दो, तो हम उनको बोलते हैं किराया कहाँ से देंगे जब हमारे पास काम ही नहीं है। नहीं तो जो हमारे पास वर्कर थे बेचारे, वो भी अब हमारे जो इस व्यवसाय से कम 10 आदमियों का घर चलता है, आगे परिवार चलता है। तो हम जैसे व्यवसाय करते हैं तो जो हमारे पास काम होगा तब उन बेचारों का काम भी चलेगा, नहीं तो वो तो बेकार है, जैसे हम बेकार बैठे हुए। हम तो उधार बेचारे दे रहे हैं, हमारे को लोग दुकानदार दे रहे हैं, लेकिन इतना कर्जा हो गया कि किराने वाले के 2-2 लाख रुपये हो गए देने के लिए, कहाँ से देंगे उनको। मकानों की किस्तें चल रही है वो नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे बॉम्बे पढ़ते हैं उनकी फीसें नहीं दे पा रहे हैं, हम लोग तो चारों तरफ से मारे गए हैं। सरकार से हम चाहते हैं कि कुछ तो हमारे बारे में सोचे ना, कुछ तो परमिशन दे काम करने की, थोड़ा बहुत कुछ तो खोले, चाहे सौ ही आदमी को परमिशन हो जाए, अभी 100 आदमी शादी हो सकती है। हम कर ये बैंड बाजी की पार्टी है जी, हमारी शारदा बैंड के नाम से। तो अब जैसे कोरोना के टाइम में तो 1.5 साल से हमारा तो सीज़न बिल्कुल बंद ही पड़ा है, तो मतलब बड़ी मुश्किल हो रहा है यहाँ जीवन जीना इतने संकट के समय, घर का गुजारा ही नहीं हो रहा है। मेरा भी अपना विकास बैंड है और 1-1.5 साल से घर में बैठे हैं जी। वो कैसे स्थिति है घर की वो तो हम ही जानते हैं, कोई काम नहीं है, काज नहीं है। जो काम करते थे वो अब लॉकडाउन में सब बंद हो गए जी, और हम बैंड के जरिए थोड़ा बहुत पैसा कमा कर अपने घर का खर्च चलाते थे। झाड़ू पोछे करके गुजारा कर रहे हैं, वो भी नहीं बुला रहे हमारे को काम पे, डर के मारे कोरोना से भी कहीं कोरोना ना हो जाए। किसी का जाते हैं 1,000 देता, कोई 500 देता है, बस इसी तरह गुजारा हो रहा है। कोरोना महामारी ने छोटे कारोबारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और वे अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। सोलन से डीडी न्यूज के लिए लक्ष्मीदत्त शर्मा की रिपोर्ट।